आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने तुर्की के खिलाफ भारत के मनफी प्रोपेगंडे को झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा कि तुर्की कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत का हामी है, जिसकी वजह से भारतीय हुक्मरानों को शदीद तकलीफ हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया है कि लॉकडाउन की जगह स्मार्ट लॉकडाउन आज़ाद कश्मीर में नाफिज किया जाएगा, जो 9 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगा। आज़ाद कश्मीर में इज्तिमाद पर पाबंदी रहेगी और बाजारों के औकात-ए-कार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लॉकडाउन में मजीद एक यौम की तौसीह कर दी है। महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले से नाफिजुल अमल लॉकडाउन मुअक्कद 8 और 9 दिसंबर मंगल और बुध की दरमियानी शब तक नाफिजुल अमल रहेगा। सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर लियाकत हुसैन चौधरी की ज़ेरे सदारत रईसुल एहरार कायदे मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास खान की 92वीं बरसी की तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में इजलास हुआ। बरसी की तकरीब SOPs के मुताबिक मुनक्किद की जाएगी। कायदे मिल्लत के मज़ार पर आज़ाद कश्मीर पुलिस का दस्ता सलामी भी देगा। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने साबिक रुकन आज़ाद जम्मू कश्मीर इस्लामी नजरियाती काउंसिल शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हयात कादरी की वफात पर अफसोस का इजहार किया और मरहूम की दीनी और मिल्ली खिदमात पर इनको खराज अकीदत भी पेश किया। अब्बासपुर की दो बहनें लाइबा और सना ने गलती से LOC पार कर ली थी, जिस पर भारतीय फौज ने दोनों कश्मीरी बहनों को गिरफ्तार कर लिया था। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया था कि दोनों बहनें जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों बहनों को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। मोहतसिब आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम मोहतसिब मिर्ज़ा ज़फ़र हुसैन के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया और बहैसियत मोहतसिब आज़ाद जम्मू कश्मीर मिर्ज़ा ज़फ़र हुसैन की शानदार खिदमात को सराहा गया। खूनी लकीर के आर पार मुनकसिम कश्मीरियों को मिलाने वाले मुख्तलिफ क्रॉसिंग पॉइंट्स 5 अगस्त 2019 के भारतीय इकदाम के बाद से बंद हैं और दोनों इतराफ के कश्मीरी बेचैन निगाहों से इन क्रॉसिंग पॉइंट्स के खुलने के मुंतजिर हैं। ताहम आज़ाद कश्मीर तहतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट को 5 अगस्त 2019 के बाद दूसरी मरतबा खोला गया, जिस पर से गलती से सरहद पार करने वाली दोनों बहनों लाइबा और सना को वापस आज़ाद कश्मीर भेजा गया। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन कई राज अपने सीने में दफन किए हुए है, जिनसे काफी हद तक लोग ना आशना हैं। बाग आज़ाद कश्मीर बाड़ीकोट के उफक पर वाकया ढोकसरी के मकाम पर रता पानी। सीना बसीना चले आने वाली रवायत के मुताबिक इस जगह पर एक भैंसा लोगों की नजरों के सामने देखते ही देखते पानी में ओझल हो गया था। उसके बाद से ये पानी सुर हो गया, जो मकामी जुबान में रता पानी के नाम से मशहूर हो गया। रोजाना खाएं और मुआलिफ से दूर रहें। माहिरीन ग़िज़ाइयत ने तहकीक से साबित किया कि ये महज मकौला नहीं बल्कि एक हकीकत है। जो लोग बिला नाका एक सेब खाते हैं, सेहत उनके चेहरे से झलकने लगती है। रोजाना एक सेब खाने से न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी क़ुव्वत में भी गैर मामूली हद तक इजाफा होता है। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोटली में एक मरीज का कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ, 54 मरीज सेहतयाब हुए और 348 अफराद के कोरोना वायरस की शुबह में मजीद टेस्ट लिए गए। नए रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 4 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से, 4 का पुंछ से, 13 का मीरपुर से, 4 का भिम्बर से और 9 का ताल्लुक जिला कोटली से है। गिजाओं का जायका बढ़ाने वाला चमचा मुतारिक, जिसके मौजूद बाप बेटा हैं जो 20 बरस से गजाई सनत से वाबस्ता हैं। उन्होंने स्पोनटेक के नाम से एक चमचा बनाया है जो कि दही, आइसक्रीम, सूप और दीगर गिजाओं के जायके को बढ़ाता है और खाने के बाद भी इनके एहसास को कायम रखता है। बरतानवी कोपेमा का बीमार बच्चे के इलाज के लिए एक दिन में बरतानिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को 9 बार सर करने का ऐलान। कोपेमा बीमार बच्चे के लिए करोड़ों रुपए की दवा की खातिर एक मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम में जो रकम जमा होगी, इससे एक 7 माह के बच्चे का इलाज मुमकिन होगा। इस मर्ज की एक ही दवा सिर्फ अमरीका में दस्तियाब है, जिसकी कीमत $21 लाख यानी 33 करोड़ रुपए से ज्यादा है।